इसके आप भी खेलना चाहते हैं कुछ अच्छे रेसिंग गेम्स जो कि ओपन वर्ल्ड हो और आप गूगल पे सर्च कर करके थक गए हो, फिर भी आपको कुछ अच्छे रेसिंग गेम नहीं मिल पा रहे जो कि आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप पे चले और जिनका ग्राफिक्स क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल का हो, तो भैया आप बिल्कुल सही वीडियो पे आओ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 10 ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम लेके आऊँ मिलकर आपको लगेगा भैया अपन रियल में कार चला रहे हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों जरूर शेयर करो जो कि भाई इस टाइप के गेम्स खेला चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जो हमारा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ग्रीड 2। एंड दोस्तों ग्रीड 2 की बात करें 2013 का ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया कोड मास्टर के द्वारा। ये गेम अपने टाइम का काफी पॉपुलर गेम रह चुका है दोस्तों। गेम की बात करें तो गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम में आप अलग अलग लोकेशन में रेस करते हो जहां पर आपको काफी सारे चैलेंजिंग मिशंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आप मिशंस कंप्लीट करते जाओगे वैसे ही वैसे आपके जो लेवल अप होंगे एंड आपकी यहाँ पर काफी सारे कार्स अनलॉक देखने को मिल जाएंगे। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है एंड जो एनवायरनमेंट देखने को मिलता है दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड यहाँ पर एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें वेल गाइस रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 15 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। खेलना चाहते हैं इस रेसिंग गेम को तो कूद फांद के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है एस्पल्ट 9 लेजेंड। बात करें 2018 का एक रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गेम लुफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। रियल लाइफ लोकेशन में आपका जो रेसिंग मिशन है वो स्टार्ट होता है। सारे स्पोर्ट्स कार्स देखने को मिलते हैं जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं जैसे जैसे आप मिशन को कंप्लीट करते जाएंगे। गेम की बात करें दोस्तों गेम में आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट भी देखने को मिल जाता है जहां पर सिटी के लोकेशन में आपको यहां पर रेसिंग करना होता है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया काफी रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 7 GB के आसपास स्पेस का रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस अगर आपके मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है फोर्ज़ा स्ट्रीट। एंड दोस्तों फोर्ज़ा स्ट्रीट की बात करें तो एक ओपन वर्ल्ड वीडियो रेसिंग गेम है। अपन पब्लिश किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी आपके सभी पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। एंड वेल गाइस गेम की बात करें गेम में आपको काफी सारे न्यूली स्पोर्ट्स कार देखने को मिलते हैं जिससे आप रेसिंग करते हो एंड यहाँ पर आप अलग अलग सिटी के लोकेशन में यहाँ पर आप रेस करते हो। गेम में आपको काफी रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो आप जब आप रेस करते हो जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलता है वो टोटली यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड देखने को मिलता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 मिनी है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 20 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है खुद फंद के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। ये जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड हॉट प्रेशर। तो 2010 का एक काफी पॉपुलर ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें गेम में आपको 2 मोड देखने को मिलते हैं। एक आपका रेसिंग मोड देखने को मिलता है, दूसरा कॉप मोड देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली रेसिंग मोड में यहाँ पर आपको नॉर्मल रेस करना पड़ता है एंड कॉप मोड में यहाँ पर आपको चेस करना पड़ता है, मतलब आपके पीछे पुलिस लग जाती है, उनसे आपको बचते बचाते मिशंस को कंप्लीट करना रहता है। डिफरेंट लोकेशन में यहाँ पर आपको मिशंस देखने को मिलेंगे। अलग अलग सिटी में यहाँ पर ट्रैक लोकेशन में रेसिंग करना पड़ता है। तो आप मिशंस को कंप्लीट करते जाएंगे, यहाँ पर आप अपने कार को भी और अपग्रेड करते जाएंगे। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है एंड जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलता है गेम में दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो वेल गाइस रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड वेल गाइस प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 12 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने का। इस गेम को इंस्टॉल करने का तो किस ले रुके खुद फान के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टेस्ट ड्राइवर अनलिमिटेड 2। जी हाँ दोस्तों टेस्ट ड्राइवर अनलिमिटेड 2 की बात करें 2011 का एक काफी पॉपुलर ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया इडॉन गेम्स के द्वारा। एंड दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तक उपलब्ध है। गेम की बात करें मेन गेम का जो स्टोरी स्टार्ट होता है वर्चुअल आइलैंड से होता है। यहाँ पर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग
यहाँ पर आपको मिशन देखने को मिलते हैं, साथ साथ यहाँ पर आप जो आइलैंड है इसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कंप्लीटिंग मिशन जो भी आपको मिशन देखने को मिलेंगे दोस्तों, उसके बाद आप सिटी में इधर उधर घूम फिर सकते हो, सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम में भी आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स कार्ड देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर टू में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 10 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका भी मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। सिक्स्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है ड्राइवर सैन फ्रांसिस्को। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, डिटेक्टिव का किरदार निभाते हो जहाँ पर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलते हैं। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों, जो आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। जैसे जैसे यहाँ पर आप अपने मिशन को कंप्लीट करते जाओगे आपको काफ़ी सारे न्यू कार्स अनलॉक हो जाते हैं, उससे आप अपग्रेड कर सकते हैं। गेम में आप पूरा ओपन एनवायरनमेंट का मजा ले सकते हो, यहाँ पर आप इधर उधर भटक फटक सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर मिशन। तो काफ़ी अच्छा ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है दोस्तों, आपको जरूर से इस गेम को खेलना चाहिए। इस गेम को आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ। ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई भी नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 10 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना। अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का, किस लेवल के हो खुद फंस जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। सेवेंथ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड अंडरकवर। जी हाँ दोस्तों, नीड फॉर स्पीड अंडरकवर की बात करें 2008 का एक काफी पॉपुलर ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया ये ब्लैक बॉक्स के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रायलवेन के नॉर्थ वेस्टर्न टाउन से, जहां पर आप एक अंडरकवर कॉप रहते हो। एंड यहां पर आपको जो रश रेसर रहते हैं, जो क्रिमिनल्स रेसिंग ग्रुप रहते हैं, उसमें जाके आपको पार्टिसिपेट लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं एंड उस ग्रुप में जाके आपको मेन क्रिमिनल रहता है उसे आपको यहाँ पर पकड़ना रहता है। तो वाइल कंप्लीटिंग मिशन ये आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टास्क दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि इस गेम का जो मैप है दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड है। आफ्टर रेसिंग यहाँ पर आपको सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक फटक सकते हो। जैसे जैसे आप मिशन कंप्लीट करते हो जाओगे यहाँ पर आपको हॉट कार सीखोगे एंड उसे आप अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा गेम है दोस्तों। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को इंस्टॉल करने का तो भाई खुद फांद के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8 गेम के ऊपर। जो हमारा 8 गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है ट्रैक मेनिया। 2023 का न्यूली रिलीज फ्री टू प्ले रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी या आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीके से उपलब्ध है। इसे आप स्टीम से आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गेम की बात करें तो गेम में आपको मल्टीप्लेयर ऑप्शन मिलता है जहां पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कस्टमाइज ट्रैक का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। मतलब अपने हिसाब से आप ट्रैक बिल्ड कर सकते हो एंड उसे प्ले कर सकते हो। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम में। एंड गेम में आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स कार देखने को मिलेंगे एंड जिनको प्ले करके आपको मज़ा ही आ जाएगा। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया मात्र 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 5 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। इस हमारे जो 9th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है असेटो कोर्सा कंपोटेसी। ये एक रेसिंग सिमुलेटर वीडियो गेम है, डेवलप एंड पब्लिश किया इटालियन गेम्स के द्वारा। बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। की बात करें तो ट्रेडिशनल स्टोरी आपको देखने को नहीं मिलती है, बट जो गेम का मेन फोकस है GT3 क्लास रेसिंग पे रहता है। यहाँ पर आप जैसे जैसे यहाँ पर आप चैंपियनशिप करते जाओगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्पोर्टी कार देखने को मिलेंगे एंड आपको रियल वर्ल्ड ट्रैक देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलता है, ऐसा लगेगा भैया कि आप रियल में रेसिंग करें। रैम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 40 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का
को कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है रेस ड्राइवर ग्रिड। जी हाँ दोस्तों, रेस ड्राइवर ग्रिड की बात करें, 2008 का एक काफी पॉपुलर रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया कोड मास्टर के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें पर आपको काफी सारे डिफरेंट रेसिंग देखने को मिलते हैं, जैसे स्ट्रीट रेसिंग, ड्रिफ्ट रेसिंग। तो यहाँ पर आपको काफी पर आपको मोड देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। गेम में आपको काफी सारे कार्ड्स देखने को मिलते हैं जिसको आप अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बेस्ड है एंड सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, गेम मल्टीप्लेयर है, आप अपने रसगुल्ले दोस्तों के साथ इस गेम को प्ले कर सकते हो। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। यही कुछ 10 गेम थे आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अच्छे रेसिंग गेम खेलना चाहते हैं बट उनके पास अच्छा सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं मिलता हूँ एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको इनमें से कोई भी गेम चाहिए तो भैया नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, गेट इन सभी गेम्स को आप ले सकते हैं।